भारत में 40 दिन बाद कोरोना के नए केस 2 लाख से कम आए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 1,96,427 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 14 अप्रैल के बाद पहली बार है जब 2 लाख से कम केस आए हैं। वहीं मौतों की संख्या भी धीरे धीरे कम होना शुरू हुई है। पिछले 24 घंटे में 3,511 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। वहीं 24 घंटे में 3,26,850 लोग ठीक भी हुए। तो ये अच्छी भी खबर है कि 3,26,000 लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन कोरोना की रफ्तार भी धीमी हो रही है। उसके बावजूद आपको कोरोना प्रोटोकॉल का पालन ज़रूर करना है, क्योंकि यही एक ऐसा तरीका है जो इस बीमारी से आपको बचा सकता है, और इस बीमारी का पहला इलाज इससे बचाव है। कोरोना की वजह से कई आफ्टर इफेक्ट हो रहे हैं। कोरोना के बाद भी कई तरह की दिक्कतें लोगों को सामने आ रही हैं, उसमें से एक ब्लैक फंगस बड़ी बीमारी है। ब्लैक फंगस के बाद अब येलो फंगस का भी लोग सामना कर रहे हैं। कुछ मामले येलो फंगस के भी सामने आए हैं। हमारे साथ डॉक्टर अरविंद कुमार हैं, मेदांता में चेस्ट इंस्टीट्यूट के हेड हैं, सीधे जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अरविंद कुमार। अब एक बड़ा सवाल आपके सामने ये है कि क्या वाकई में जो दूसरी लहर है वो कमजोर पड़ गई है और तीसरी लहर आके रहेगी? विकास जी, आपको और एबीपी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। ये कहना कि दूसरी लहर कमजोर पड़ गई है, मतलब कमजोर पड़ गई है एक ऐसा शब्द साउंड करता है जैसे कि कोई डिजायरेबल चीज थी जो कम हो गई है। मैं ये कहूंगा कि दूसरी लहर का कहर थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो गया है और नंबर्स कम हो रहे हैं, और ये एक्सपेक्टेड था। देखिए, हम बहुत जैसे ही ये नंबर्स बढ़ने शुरू हुए थे राइट इन द बिगनिंग, फरवरी एंड में, मार्च फर्स्ट वीक में, उस समय कई बार चैनल्स पे हम सब डॉक्टर्स ने ये कहा था कि यही समय है जब हमें लॉकडाउन मोड में जाना चाहिए। अब उसको आप लॉकडाउन का नाम दें, कर्फ्यू का नाम दें, जो भी नाम दें, कुछ ऐसे तरीके जिससे लोगों का आमना सामना इंटरेक्शन बंद हो, जिससे ये ट्रांसमिशन की साइकिल रुके। वो उस समय नहीं हुआ, वो काफी ज्यादा नंबर्स बढ़ने के बाद हुआ, जिससे ये नंबर्स बढ़ते रहे, 4 लाख के ऊपर तक गए। उससे जो तबाही मची वो हम सब ने देखी है। लेकिन जो पिछले 4 हफ्तों से करीब करीब आधे से ज्यादा देश जो किसी ना किसी रूप के लॉकडाउन में है, पार्शियल या फुल, उसका इफेक्ट अब आ रहा है कि क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन, लोगों का आमना सामना नहीं हो रहा है, इसलिए ट्रांसमिशन साइकिल जो है वो नेगेटिव में जा रही है और केसेस कम हो रहे हैं। और ऐसा ही अभी चलता रहा अगर 2-3 हफ्ते और, तो ये नंबर्स धीरे धीरे ऐसे ही कम होते रहेंगे। जी, एक बड़ा सवाल जो अक्सर पूछा जा रहा है कि क्या तीसरी लहर वो बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि अब कुछ मामले ऐसे देखने में आ रहे हैं कि कई राज्यों में बच्चों में संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। विकास जी, ये वायरस पिछले वर्ष की पहली लहर के बाद कहीं गया नहीं था। इसके नंबर्स कम हो गए थे, लेकिन ये था कम्युनिटी में, और ये बहुत एक शातिर किस्म का वायरस है जो हमारी गलती करने का इंतजार करता है, और जैसे ही हम गलती करते हैं और उस समय ये वापस हमें अटैक करता है। उसने फरवरी तक इंतजार किया, वो छुपा हुआ था कम्युनिटी में, और फरवरी में जब हम सब लोग बिल्कुल एक नॉर्मल मोड में आ गए थे कि बस अब तो ये वायरस चला गया, उसने अपना रूप बदल के और घातक रूप बना के हमें पुरजोर वार किया, जिससे हमारा इतना सीरियस डैमेज हुआ। अब भी जो नंबर कम होंगे उसके बाद भी विकास जी यही साइकिल रिपीट होगी, ये खत्म नहीं होगा, ये नंबर कम होके हमारी कम्युनिटी में रहेगा। अगर हमें इसको दोबारा वापस आने से रोकना है तो सबसे बड़ी चीज है जो कोविड संयम, यानी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। अगर हमारे पूरे देश ने वो जो 4 मूल सिद्धांत हैं उनको बड़े रिलीजियसली, एक धर्म समझ के उसको अगर फॉलो किया, तो हम तीसरी चौथी पांचवी वेव को आने से जरूर रोक सकते हैं। और अगर हमने पुरानी वाली गलती फिर की, जैसा कि ऑलरेडी मैं देख रहा हूं लोग कह रहे हैं अच्छा अब तो नंबर कम हो गए हैं, चलो थोड़ा बाहर घूम आते हैं वगैरह वगैरह, तो तीसरी चौथी वेव आएगी। जो आपने बच्चों की बात की, पिछले साल हमने देखा कि उस वायरस ने 60 ईयर्स से ऊपर से लोगों को इफेक्ट भी किया और मृत्यु भी वही हुई।
इस बार की वेव में सबसे ज्यादा इफेक्ट और सबसे ज्यादा मृत्यु 30 से 45 की उम्र में हुई है। उसका कारण यह था कि हमारे 45 से ऊपर वाले लोग एक तो थोड़े वैक्सीनेटेड थे, वो शायद डरे हुए थे और वो घर के अंदर ज्यादा थे, जबकि ये जो पॉपुलेशन है 30 से 49 की, ये ना तो वैक्सीनेटेड थी और ये मैक्सिमम आउटसाइड दी हाउस थी, इनका एक्सपोजर मैक्सिमम हुआ, इसलिए इनमें इंफेक्शन मैक्सिमम हुआ। और अगर 1.5% मॉर्टेलिटी लें तो डेथ्स भी इनमें सबसे ज्यादा हुई हैं। अब हमने 18 साल से ऊपर वैक्सीनेशन खोल दिया है, तो कुछ महीने के बाद जो हमारी 18 साल से कम की बच्चों की पॉपुलेशन है वो अनवैक्सीनेटेड अनप्रोटेक्टेड होगी। तो ये बड़ा कॉमन सेंस एक कहता है कि अब अगर तीसरी लहर आएगी तो वो जो सबसे कमजोर अनप्रोटेक्टेड ग्रुप है बच्चों का, उसको अटैक करेगी। और इसीलिए बच्चों में जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन को टेस्ट करना, उसको ओपन करना और बच्चों को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट करना, एक तरफ तो ये लाजमी हो जाता है और दूसरी तरफ तीसरी वेव को आने से रोकने के लिए कोविड संयम का 100% पालन करना। लेकिन डॉक्टर अरविंद, अगर बच्चों को इफेक्ट करेगी तीसरी लहर, तो इसका मतलब है तीसरी लहर तब आएगी जब ये वायरस जो है और ज्यादा म्यूटेंट हो जाएगा और ज्यादा अपने आप का अपना स्वरूप बदलेगा और ऐसा कर लेगा कि बच्चों को ही इम्पैक्ट करे, क्योंकि कल डॉक्टर गुलेरिया कह रहे थे अभी तक ऐसे कोई प्रमाण नहीं है कि बच्चों को ही इम्पैक्ट कर रहा है। नहीं विकास जी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इसने एक ग्रुप को ही इन्फेक्ट किया है। पिछले साल इसने इन्फेक्ट सबको किया था, ऐसा नहीं है कि पिछले साल सिर्फ 60 साल से ऊपर के लोग थे, 60 साल से ऊपर के लोग, यंग लोग, बच्चे, सब लोग इन्फेक्ट हुए थे, लेकिन जो डेथ्स थी वो मेनली 60 साल से ऊपर वालों में हुई थी, बाकियों का डेथ रेट कम था। इस साल भी इसने ऐसा नहीं है कि बड़ों को नहीं इन्फेक्ट किया या बच्चों को नहीं किया, बच्चे इस बार भी इन्फेक्ट हुए हैं, लेकिन मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट हमारा 30 से 45 एज ग्रुप में हुआ है, जो शायद उनके घर से बाहर होने और उनके एक्सपोजर की वजह से है और अनप्रोटेक्टेड होने की वजह से है। तो अगली बार अगर मान लीजिए हमारे स्कूल खुले हुए हैं और बच्चे अनप्रोटेक्टेड हैं तो बच्चे भारी मात्रा में इफेक्ट होंगे, लेकिन अगर कोविड संयम के अंदर वो बच्चे हमारे प्रोटेक्टेड हैं और उनको वैक्सीनेशन मास स्केल पे लगा दिया जाता है तो हम डेफिनेटली इसको आने से रोक सकते हैं। मैं बिल्कुल नेगेटिव नहीं हूं, मैं सबसे ज्यादा चिंतित हूं कि थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी और आएगी तो कितनी घातक होगी। ये वायरस के म्यूटेशन पर तो निर्भर करेगा, लेकिन उससे ज्यादा हम सब 130 करोड़ देशवासियों के बिहेवियर पर डिपेंड करेगा, वही डिटरमिन करेगा कि थर्ड वेव आएगी या ना। हमारा संयम वो बहुत जरूरी है। डॉक्टर अरविंद, एक अहम सवाल ये है कि कोविड के बाद ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और अब येलो फंगस भी बीमारी आ गई है सामने, ये बीमारी हो क्यों रही है? क्या हमारी आपकी लापरवाही से, हमारे मतलब मरीज और डॉक्टरों की लापरवाही से हो रही है, या जो दवाइयां हैं उनके एक्सेस यूज की वजह से हो रही है? जी विकास जी, इस समय सारा देश इस फंगस से चिंतित है, क्योंकि कोरोना वेव तो अब थोड़ा पीछे हो गई है, अब ये फंगस एक नई महामारी के रूप में आ रहा है। पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो नाम दिए जा रहे हैं ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस, तो एक्चुअली ये कोई भी फंगस इस रंग का नहीं होता है। ये सब फंगस एक्चुअली इनविजिबल होते हैं, ये सूक्ष्म कणों के रूप में होते हैं, बैक्टीरिया की तरह ये हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन जब ये जाके इन्फेक्ट करते हैं तो इनके जो मैनिफेस्टेशंस होते हैं वो दिखते हैं। जैसे एक जिसको ब्लैक फंगस का नाम दिया जा रहा है वो है म्यूकर माइकोसिस, जिसमें आर्टरीज जो हमारी धमनियां होती हैं उनमें क्लॉटिंग हो जाती है, तो जो एरिया है वो काला पड़ जाता है, तो हमारे चेहरे पे, तालू पे, कहीं पर काले काले स्पॉट्स आ जाते हैं, इसलिए हमने इसको ब्लैक फंगस का, तो फंगस ब्लैक नहीं है, उसका इफेक्ट एक्चुअली ब्लैक पैचेस है। इसी तरह से जिसको हम व्हाइट फंगस या कैंडिडाइसिस कहते हैं वो भी फंगस व्हाइट नहीं है, लेकिन जो उसके पैचेस होते हैं वो व्हाइट व्हाइट दिखते हैं, और इसलिए। तो तीसरा है जिसको एस्परजिलोसिस या येलो फंगस कहा जा रहा है, तो ये सब कलर कोडिंग मतलब उनके लक्षणों की वजह से है, ये सारे फंगल इंफेक्शन हैं। मूल चीज ये है कि ये सारे फंगस हमारी सॉयल में, और अगर सॉयल उड़ के हवा में आ जाए तो हवा में होते हैं, हमारी नॉर्मल सांस में इनमें से बहुत सारे फंगस अंदर जाते हैं
लेकिन हमारी इम्यूनिटी की वजह से ये पैर नहीं जमा पाते। कोविड के पेशेंट्स में और खासकर से जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज वाले पेशेंट हैं जिनको मॉडरेट टू सीवियर डिजीज हुई, उनको प्रोलॉन्ग पीरियड तक हैवी डोजेस स्टीरॉइड्स की दी गई, उससे उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है और उन लोगों में फिर ये फंगस अपने शरीर के अंदर अपने पैर जमा के अलग अलग रूपों में, तो वो नाक से एंटर करके नाक में, साइनस में, आंख में, ब्रेन में, लंग्स में या बॉडी के और पार्ट्स में चली जाती है। तो मेन चीज जो पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है कि कृपया स्टीरॉइड्स का मिसयूज ना करें। स्टीरॉइड्स एक बहुत अहम टूल है कोविड के ट्रीटमेंट का, लेकिन उसको मिनिमम डोज में मिनिमम पीरियड तक यूज किया जाना चाहिए। अत्यधिक डोज में अत्यधिक लंबे पीरियड तक यूज करने से डायबिटीज हेवायर हो जाती है और ये दोनों लीथल कॉम्बिनेशन मिलके हमारी इम्यूनिटी को खत्म कर देते हैं, जिससे हम फंगस इन्फेक्शन के लिए ससेप्टेबल हो जाते हैं। जी डॉक्टर अरविंद, एक और बड़ा सवाल है कि क्या जिंक, आयरन की टैबलेट, एंटीबायोटिक, इनके इस्तेमाल से भी फंगस, ब्लैक फंगस की बीमारी हो रही है? नहीं, ये कहना कि जिंक या विटामिन सी या आयरन से ये फंगस हो रहा है, ऐसा नहीं है। मैं शुरू से बार बार आपके चैनल्स पे भी और बाकी जगह भी कहा है कि एज फार एज आई एम कंसर्न, कोरोना के माइल्ड केस के ट्रीटमेंट में सबसे अहम टैबलेट पैरासिटामोल है जो बुखार को कंट्रोल करती है। फेविफ्लू नाम की गोली देना या कोई भी एंटीबायोटिक्स देना, कहीं भी कोई प्रूफ नहीं है कि उनसे आउटकम में कोई मेजर चेंज आ रहा है। हाँ, एंटीबायोटिक्स देने से कहीं ना कहीं पेशेंट की रेजिस्टेंस कम हो रही है और मैं ये मानता हूं कि ये जो एंटीबायोटिक्स ओक में माइल्ड केसेस को दी जा रही है उसको बंद किया जाना चाहिए। जिंक, आयरन, विटामिन सी ये फायदा कितना कर रहे हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन उनका फंगस से लेना देना कुछ नहीं है। लेकिन एंटीबायोटिक्स का जो यूज है वो हो सकता है कहीं ना कहीं फंगस, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज एंड एक्सेसिव यूज ऑफ स्टीरॉइड्स। जी डॉक्टर अरविंद, एक और चीज देखने में आ रही है कि कोरोना के मरीज ठीक होने के बाद कई दिनों तक उनका बुखार नहीं जा रहा है, 98, 99, कई बार उससे थोड़ा ज्यादा 99.7 इतना फीवर रह रहा है, ये किस वजह से है और क्या ये चिंता का विषय है? जी, दो तरह के देखिए देखे जा रहे हैं। एक तो है कि कुछ लोगों को हल्का सा 98.8, 99, 99.2 इस तरह का। मैं खुद कोविड से ग्रसित हुआ था अप्रैल के पहले हफ्ते में और दो हफ्ते के क्वारंटाइन के बाद करीब 10-15 दिन तक खासकर से शाम को हल्का सा शरीर गर्म फील करना 99.2 ये हुआ था, लेकिन वो धीरे धीरे ठीक हो गया था। तो ये हल्का सा बुखार रहना, बदन टूटना, बहुत ही कमजोरी होना, थोड़ा बहुत चेस्ट में पेन, सर में दर्द, साइकोलॉजिकल चेंजेस, जोड़ों में दर्द, थोड़ा बहुत डायरिया, पेट में दर्द, ये बहुत सारे कोविड के पोस्ट कोविड सिम्टम्स हैं जो काफी मात्रा में मरीजों में ठीक होके घर आने के बाद परसिस्ट कर रहे हैं। इसको पोस्ट कोविड सिंड्रोम के एक क्लब किया जा सकता है, काफी लोगों में है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि अगर आप डाइट पे ध्यान देंगे, हाई प्रोटीन डाइट लेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपनी प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे, आप टेम्परेचर को नोट करिए, अगर 99.2, 99.4 इस रेंज में है तो चांसेस हैं कि ये सेटल हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर 101, 102 के रेंज में है तो वो एक सीरियस चीज है, उसको आप तुरंत डॉक्टर को जाइए। सेकेंडरी बैक्टीरियल इंफेक्शन, फंगल इंफेक्शन कुछ भी हो सकता है। हार्ट रेट का भी लेट देख रहे हैं कि लोग 110, 120 के आसपास अक्सर रेट चल रहा है, तो वो भी आपको मॉनिटरिंग करना है। तो ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग करना, टेम्परेचर की मॉनिटरिंग करना, हार्ट के सिम्टम्स की मॉनिटरिंग करना, ये निहायत जरूरी है। डाइट बहुत जरूरी है, लेकिन इन सबसे ज्यादा जो मैं कह रहा हूं जरूरी है वो है एक रिलैक्स करना और एक सकारात्मक सोच रखना। लोग एक्सट्रीम पैनिक मोड में हैं, घबराए हुए हैं, टेंस हैं और उससे वो अपने को और ज्यादा बीमार कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर वो प्राणायाम या रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, सकारात्मक सोच रखेंगे तो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी ठीक होंगी। आपने प्राणायाम की बात की तो मैं एक बाबा रामदेव से जुड़ा हुआ सवाल पूछ लेता हूँ। आजकल बड़ी बहस चल रही है, बाबा रामदेव कह रहे हैं कि एलोपैथी के डॉक्टर भी एलोपैथिक इलाज लेने के बाद उनकी मौत हो गई, जबकि जो योगा, प्राणायाम और आयुर्वेद से लोगों को ज्यादा स्थायी समाधान दिया जा सकता है।
विकास जी देखिए, मैं एक डॉक्टर हूं और मैं सिर्फ मेडिकल से रिलेटेड बात करूंगा, मैं किसी भी राजनीतिक द्वंद में नहीं पढ़ना चाहता। मैं ये जानता हूं कि मेडिसिन की अपनी जगह है और प्राणायाम जो है वो किसी एक व्यक्ति की पर्सनल प्रॉपर्टी या कॉपीराइट नहीं है। ये बहुत पुरानी ट्रेडिशन है हमारे मेडिक। मैं एक चेस्ट सर्जन हूँ, पिछले 30 साल से मैं चेस्ट सर्जरी कर रहा हूँ और पहले दिन से अपने पेशेंट्स को डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अब उसको मैं डीप ब्रीदिंग कहूँ या उसको प्राणायाम कहूँ, वो एक ही चीज है। वो किसी की बपौती नहीं है, किसी की डिस्कवरी नहीं है, ये एक साइंस है जो हजारों साल से है, हमारे यहाँ भी है, वेस्टर्न मेडिसिन में भी है। तो उसको यूज करने से किसी का कोई नुकसान नहीं है। मैंने कई वीडियोस में आपके यहाँ भी चैनल पे डीप ब्रीदिंग ब्रेथ होल्डिंग एक्सरसाइज को डेमोन्स्ट्रेट किया है, जो डेफिनेटली मैं मानता हूँ पेशेंट्स को हेल्प कर रही है, लेकिन वो किसी की कॉपीराइट नहीं है। वो एक टेक्निक है जो कोई भी यूज कर सकता है, वो भी यूज कर सकते हैं, हम भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई क्लैश की बात नहीं। विकास जी, एक और सवाल है, हालांकि वो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है, मैं बाबा रामदेव का नाम नहीं ले रहा क्योंकि आप कह रहे हैं कि मैं किसी इस द्वंद में नहीं पढ़ना चाहता। आयुर्वेद और एलोपैथी, क्या दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हैं, या आयुर्वेद और एलोपैथी में दोनों में से कौन ज़्यादा बेहतर दवाई है, कौन ज़्यादा बेहतर और निर्दोष इलाज दे सकता है? कल बाबा रामदेव ने इस तरह के सवाल पूछे थे, मैं बाबा रामदेव का नाम नहीं ले रहा हूँ, आपसे बस पूछ रहा हूँ। विकास जी, मैं इसका बहुत सीधा सा जवाब दूंगा। मैं एक एलोपैथिक मेडिसिन को प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति हूं जिसने सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन ही पढ़ी है। मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन के डिटेल में नहीं गया हूं, मैं उनको पूरा सम्मान करता हूं और मुझे बिना उनको पढ़े, बिना उनके डिटेल्स जाने, उनके बारे में कॉमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं केवल ये कहूंगा कि कोई भी सिस्टम बुरा नहीं है, हर सिस्टम अच्छा है। एक एज ए साइंटिस्ट मैं एक चीज डिमांड करूंगा कि कोई भी चीज आप ऐसे कह दें कि देखो जी ये चीज मैंने बहुत ट्राई कर ली, बहुत अच्छी है, ले लो, इसको आज की तारीख में नॉन एविडेंस बेस्ड कहा जाता है। हमारे मेडिकल साइंस में कोई भी चीज आती है उसको आप देखिए, वैक्सीन साइंस, हजारों वॉलंटियर्स पे रैंडमाइज ट्रायल किया गया, बिल्कुल, जो गवर्नमेंट की साइट पे रजिस्टर्ड था, उसकी इंटरनेशनल पब्लिकेशंस आई, कोई भी व्यक्ति उसके डिटेल्स जान सकता है, उसको सबने एक्सेप्ट किया। तो कोई भी पद्धति हो, यूनानी हो, आयुर्वेदिक हो या किसी और की हो, अगर वो एक साइंटिफिक रिसर्च करे और उसके रिजल्ट्स पब्लिक स्पेस में दें, जिसको लोग स्क्रूटनी कर सकें और उसके बाद पाएं कि हाँ ये वाकई अच्छा है, तो मैं कहता हूं कोई भी सिस्टम आज की तारीख में हर व्यक्ति को एक्सेप्टेबल होगा। बिल्कुल डॉक्टर अरविंद, आप ठीक कह रहे हैं कि साइंटिफिक एविडेंस है, कोई भी सिस्टम हो वो अच्छा हो सकता है, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस होने चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा, कोरोना मरीजों के फेफड़ों के इलाज में आजकल रेडिएशन थेरेपी की बात हो रही है, क्या रेडिएशन थेरेपी कोरोना में कारगर साबित हुई है, कोई मेडिकल एविडेंस है इसके? रेडिएशन थेरेपी, तो विकास जी मैं ये पहली बार सुन रहा हूँ कि रेडिएशन थेरेपी, एक्चुअली रेडिएशन थेरेपी हम लोग कैंसर के पेशेंट्स में देते हैं, और रेडिएशन थेरेपी तो और लंग्स में थोड़ा बहुत फाइब्रोसिस कॉज करती है, और जो ये पेशेंट कोरोना के हैं जिनको मॉडरेट या सीवियर डिजीज है, ये आगे चल के जब हील होंगे तो इनमें थोड़ी बहुत फाइब्रोसिस जरूर होगी, जिसके लिए बार बार मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम उसको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे और गहरा सांस खींच के उसको रोक के रखेंगे, तो ये जो फाइब्रोसिस प्रोसेस है उसको कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा काउंटर करने में सफल होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि रेडिएशन थेरेपी एज ए ट्रीटमेंट, एटलीस्ट मेरे नॉलेज में तो नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अरविंद, इतनी बेशकीमती जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो जो दर्शक इस वक्त एबीपी न्यूज़ देख रहे होंगे उनको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि उनको कोविड के दौरान क्या करना है, कोविड के बाद क्या करना है, किस तरह से ब्लैक फंगस से बचना है, किस तरह से अगर उनकी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो गया है तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है, और तमाम वो बातें उन्होंने कही जो इस समय देश और दुनिया में चर्चा का विषय है। ABP News आपको रखे आगे।